भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बाजगश्त। ट्विंकल खन्ना ने बड़ा राज अफशा कर दिया। बॉलीवुड की साबिक अदाकारा और मौजूदा मुसन्निफा ट्विंकल खन्ना उर्फ मिसेस फनी बोन्स ने अपने एक हालिया कॉलम में लिखा कि उन पर दाऊद इब्राहिम की पार्टियों में परफॉर्म करने के इल्जाम लगाए जाते रहे। भारत के एक मारूफ रोजनामे में शाया कॉलम में उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले एक पुराने इल्जाम का तस्करा पुरमजाह अंदाज में किया, जिसमें मुबैना तौर पर उन्होंने दाऊद इब्राहिम के लिए मुख्तलिफ गानों पर मबनी एक मिक्स गाना गाया। 2010 में उनके शौहर और बॉलीवुड के मारूफ एक्शन हीरो अक्षय कुमार ने अपनी अहलिया पर लगने वाले इस इल्जाम की तर्दीद की थी, जिसमें कहा गया था कि ट्विंकल खन्ना ने दाऊद इब्राहिम की जानिब से दुबई में मुनक्किद होने वाली पार्टी में शिरकत की थी। ताहम अब ट्विंकल खन्ना ने अपने कॉलम में लिखा कि हम पहले ही इस किस्म की तोड़ मरोड़ कर या साजबाज पर मबनी न्यूज स्टोरीज देखते रहे हैं और इसमें जाली तस्वीर का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे भी मेरी डांसिंग की महारत जानते हैं कि मैं बिल्कुल नाबिल्द हूं। उनका कहना था कि ये इल्जाम लगाने वाले मीडिया इदारे को मालूम होना चाहिए कि दाऊद इब्राहिम इस काम के लिए किसी माहिर परफॉर्मर का इंतखाब करेंगे, लेकिन यही फेक न्यूज की दुनिया है।